एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीस कॉर्नर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम आए हुए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और दर्शन करने जाने वाले हैं महाकाल के। तो हम लोग कल रात को आ गए थे उज्जैन और सबसे पहले उठ के हम लोग गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग टूर रहा हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत टाइम से यहाँ आने का मन था बट किसी ना किसी रीज़न से मेरा यहाँ आना कैंसिल हो जा रहा था। फिलहाल कहना यही होता है कि जब बुलाते हैं तब अपने आप चले जाते हैं। तो फिलहाल हमारा ये अचानक प्रोग्राम बना था उज्जैन जाने का। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की थी बट सबसे पहले हम लोग गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुँच गए थे मंदिर के बाहर। तो ये सबसे पहले थे बड़े गणेश जी का मंदिर, उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए थे अंदर दर्शन करने के लिए। मौसम कल तक बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन आज मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी नंगे पैर चलने में, क्योंकि धूप थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लोर गर्म हो रहा था। लेकिन दर्शन हमें वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, प्रॉपर तरीके से हमें दर्शन हो पाए थे। जितना लगता था कि इतना बड़ा मंदिर है वहाँ दर्शन पता नहीं कैसे होंगे क्या है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। मंदिर के बाहर आपको इस तरीके का काफ़ी अच्छा सा मार्केट देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप कर सकते हैं अपनी शॉपिंग। तो फिलहाल इसे हम स्किप करते हैं और सीधे चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। तो यहाँ आके आपको बहुत अच्छी सी वाइब आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा मंदिर हमें थोड़ा खाली खाली मिला था, बहुत भीड़ नहीं थी, काफ़ी कम भीड़ थी और दिनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस हिसाब से सुना है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वो उस तरीके से नहीं था। और आप आगे देख भी पाएंगे, हमें दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए थे, काफ़ी सुकून से हम लोगों ने दर्शन किए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हो पाए थे। लेकिन उसके बाद उनका श्रृंगार वगैरह भी शुरू हो गया था, जो होता है 10-11 बजे जो भी श्रृंगार उनका दोबारा से किया जाता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रुक पाए थे। ये आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जूम करके मैंने यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली थी। कोई रोक टोक इस टाइम नहीं हो रही थी फ़ोटो खींचने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत आराम से हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए थे और फर्स्ट लाइन में ही लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये एक्सपीरियंस मुझे रहा। वैसे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये टाइम काफ़ी ज़्यादा सही रहता है उज्जैन आने का। एक तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा था वो ये था कि यहाँ गणेश चतुर्थी अमेजिंग मनाई जाती है, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली। फिलहाल यहां हम करते हैं महाकाल के दर्शन। थोड़ा सा पंडित जी ने पूजा वूजा करवा दी थी तो यहाँ पूजा करने के लिए बैठ गए थे। ये सारा चीज़ें आपको हर जगह मिलने वाली है कि आपको दर्शन करने हैं, अच्छे करने हैं, कैसे करने हैं, ये चीज़ें आपको हर मंदिर पे मिलती है। सब पैसे की माया है, जैसा करोगे वैसा होगा। तो यहाँ पंडित जी हमारे लिए संकल्प दिलवा रहे थे, पूजा करवा रहे थे, जो हमने उन्हें नहीं बोला था। फिर भी फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी है सब अच्छा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। फिर यहाँ अपने सुकून से बैठ के मंदिर के अंदर ही हम लोगों ने पूजा पाठ की थी, उसके बाद हमने और पूरा मंदिर घूमा था। लेकिन गर्मी की वजह से दिन में हम मंदिर बहुत ज्यादा नहीं घूम पाए थे। थी और ये आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड भीड़ थी, आराम से आप दर्शन कर सकते हो एक बार दो बार तीन बार, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और ये बाहर का दिन का पूरा नज़ारा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मंदिर से बाहर निकल के छोटे छोटे से और छोटे मंदिर बने हुए थे काफ़ी सारे, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। बट गर्म धूप की वजह से ना फ्लोर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा मंदिर के अंदर नहीं घूम पाए थे। मंदिर घूमने के लिए हम शाम को फिर आए थे, वो मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाने वाली हूँ। रात का नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो मॉर्निंग में यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे सीधे सीधे काल भैरव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन आए हैं महाकाल के दर्शन कर रहे हैं तो काल भैरव के दर्शन करे बगैर
दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। तो हम लोग फटाफट से चले गए थे काल भैरव के दर्शन करने के लिए, जो मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पे थे। यहाँ दर्शन हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे, हमने बिल्कुल अंदर बैठ के दर्शन करे थे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑनलाइन देखा था, सिर्फ सुना था, एक लाइव बैठ के देखना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये है काल भैरव जी, जो देखने में थोड़े से हनुमान जी का लुक लग मुझे लग रहा था। और यहाँ पे भगवान को शराब चढ़ाई जाती है, कहा जाता है यहाँ पे भगवान साक्षात शराब पी लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी हुई है आई थिंक, तो पता नहीं चला है कि शराब वगैरह कहाँ जाती है। तो ये हमारे सामने भी यही हुआ था, इन्होंने ये बॉटल्स खोल के ये चांदी की प्लेट में शराब डाली थी, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी शराब यहाँ गायब हो गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके का ट्रेडिशनल है, यहाँ शराब चढ़ाई जाती है भगवान को, और उसके बाद ये प्रसाद आप वापस लेकर आना चाहते हो तो ले आइएगा, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। तो फिलहाल हमारे दर्शन काल भैरव के और महाकाल के दोनों के ही दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए थे। आराम से बैठ के हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए थे, उसके बाद हम चले गए थे होटल वापस। और फिर शाम को हम घूमने निकले थे महाकाल लोक में, जो आपको महाकाल मंदिर के बराबर में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रात में बहुत अच्छे से नज़ारे रहते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारी लाइटिंग्स वगैरह हो जाती हैं, तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पूरा परिसर है जो जिसे आप रात में भी घूम सकते हो, दिन में भी, बट दिन में गर्मी की वजह से नहीं घूम पाएंगे। तो हम लोग रात में गए थे क्योंकि मुझे स्पेशली लाइटिंग वगैरह देखनी थी, और आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक दूर दूर तक आपको लाइटिंग ही देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। महाकाल लोक में महाकाल के काफ़ी सारे अलग अलग से रूप बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो देखने में सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग अवतार इनके देखने को मिलेंगे। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी सारे गेट हैं यहाँ जाने के लिए, बट हमारे लिए सबसे नज़दीकी यही था, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का भी हमारे लिए गेट यही था, तो हम यहीं से चले गए थे गेट नंबर 4 की तरफ से। बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, रात में घूमने का नज़ारा बहुत अलग है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। हम लोग खूब ज़्यादा मजा कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज और अच्छे से एक्सपीरियंस की थी। मॉर्निंग में हम भस्म आरती नहीं देख पाए थे, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप भस्म आरती देखने भी जाओगे या सम्मिलित भी होगे तो काफी ज्यादा पीछे से होगे, क्योंकि जो बैरिंग लगी हुई है वो मंदिर से काफ़ी ज़्यादा पीछे को लगी हुई है, गर्भगृह से काफ़ी ज़्यादा पीछे को है। तो अगर हम आरती में भी जाते तो इतने अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था VR, जिसकी वजह से दर्शन इतने ज़्यादा अमेजिंग हुए हैं। अगर आप लोग उज्जैन जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। मूवीज़ काफ़ी सारी VR में देखी होंगी, 3D में देखी होंगी, बट महाकाल के दर्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, काफ़ी अच्छी उनकी फैसिलिटीज़ भी थी। तो हम लोगों ने ये पूरा परिसर घूमा था, उसके बाद हम लोगों ने VR का भी फैसिलिटी ली थी, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी थी। मतलब प्रॉपर इसी तरीके से फीलिंग आ रही थी कि हाँ हम अंदर बैठ के प्रॉपर भस्म आरती को देख रहे हैं।
देख पाओगे कितने अलग अलग रूप कृष्ण जी के दिखाए गए हैं, कितने अलग अलग रूप यहाँ पे और सारे भगवान के भी दिखाए गए हैं। शंकर जी के काफ़ी सारे रूप दिखाए गए थे और देखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अगर दिन के नज़ारे देखेंगे तो दिन के नज़ारे बिल्कुल अलग हैं और रात में लाइटिंग के नज़ारे बिल्कुल अलग दिखेंगे। यहीं पर आपको नदी भी दिखाई देगी जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और ये परिसर आप कितना भी घूमते रहो बहुत लंबा है, तो हम थोड़ा परिसर घूमने के बाद वी आर्ट देखने चले गए थे। यहाँ इनका ये इस तरीके से पूरा सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे आप आराम से भस्म आरती या दो चार आरती और हैं, और काफ़ी जगहों के दर्शन भी कराए जाते हैं और मंदिरों के भी दर्शन कराए जाते हैं। जो भी ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग उनके भी दर्शन कराए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। एक बार ज़रूर जाइएगा, इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ का प्रॉपर भस्म आरती वाली फीलिंग आई थी। तो फिलहाल मॉर्निंग में हम घूमे थे महाकाल का मंदिर और रात में महाकाल लोक हमने बहुत अच्छे से देखा था। इसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर एक और यहाँ पे बराबर में, सिद्धि देवी का टेंपल है, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वहाँ पे भी अगर आप लोग जाते हो तो बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, जिसे मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हाल फिलहाल अभी हम करेंगे केवल महाकाल के दर्शन, महाकाल के जो भी लोक है वहाँ का दर्शन करने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बैक टू बैक जो मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं उनको भी देखना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।